सद्दाम हुसैन के बारे में 3 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों सद्दाम हुसैन इराक के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल नेता थे जिन्होंने इराक पर 20 सालों तक हुकूमत की थी। नंबर 2, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़वाया वो शुरुआत में सद्दाम का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था, लेकिन कुवैत पर अटैक के बाद अमेरिका खुल के सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो गया और सद्दाम का जानी दुश्मन बन गया। नंबर 3, दोस्तों सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट के उन चुनिंदा पॉलिटिकल नेताओं में गिने जाते थे जो इसराइल की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करते थे। उन्होंने अपने दौर में यह तक कहा था कि अगर कोई भी अरब देश इसराइल के खिलाफ मेरे साथ खड़ा नहीं होगा तो मैं अकेला ही उसका मुकाबला कर लूंगा, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन का एक भी कतरा उसके हवाले नहीं करूंगा। और दोस्तों इन्हीं बुलंद हौसलों के चलते सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइलें भी दाग दी थी जिनकी याद में इराक के अंदर एक मस्जिद भी बनी है।